Hello friends, this is UGC Net Geography. I have a Facebook page called UGC Net GRF Geography Collier. इसी नाम से हमारा ईमेल आईडी भी है. ये चैनल ये ज्योग्राफी के लिए UGC Net एग्जाम, UPSC एग्जाम और स्टेट सिविल PSC एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी हम बताएंगे. इसमें मैं ट्राई करूंगा इस वो जितने भी लेक्चर्स दूं तो बायलैंगुअल में इंग्लिश और हिंदी में बोलूं. जब आज मैं इस अपने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और अपने लेक्चर सीरीज का स्टार्ट ज्योग्राफिक थॉट से करना चाहता हूं, क्योंकि ज्योग्राफिक जो थॉट है वो एक यूजीसी नेट एग्जाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट परसेंटेज क्वेश्चन उसके आते हैं. थॉट का इम्पोर्टेंस जब हम थॉट पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट कैसे प्रोग्रेस हुआ है, किसी उसका एवोल्यूशन हुआ है, पता चलता है. तो थॉट में एंशिएंट, मिडिवियल, मॉडर्न, इसके बाद हम अप्रोचेस, डायकोटमीज, ये सब पढ़ेंगे. हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट थॉट में से. इसमें हम दो क्लास लेंगे. एक तो है आज मैं सिविलाइजेशन और रोमन ग्रीस जोग्राफर्स के बारे में बताऊंगा. अगली क्लास में इंडियन एंड चाइनीज के ज्योग्राफी के बारे में. तो हम चालू करते हैं सिविलाइजेशन से. पहला सिविलाइजेशन है असीरियन. ये असीरियन सिविलाइजेशन यहाँ पे नॉर्थ मेसोपोटामिया पाया जाता था. मेसोपोटामिया तो वो क्षेत्र है जो आपके ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, जो आपके वो रीजन है, वहाँ से लेकर आपके पर्शियन गल्फ तक, ये आपका टाइग्रेस और यूफ्रेट्स रिवर होते हुए ये पूरा रीजन मेसोपोटामिया रीजन था. इसके नॉर्थन पार्ट में जो सीरिया वाला पार्ट है वो असीरियन रहते थे. आपने इसकी न्यूज़ सुना भी होगा कि सीरिया में इनके एंशियंट मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे. इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इन्हें सर्कल को 360 डिग्री से डिवाइड किया था. उसके बाद हम आते हैं बेबीलोनियंस पे. बेबीलोनियंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्सागोनल सिस्टम था. जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, इसमें 0, 1 दो नंबर होते हैं, सेक्सागोनल सिस्टम में 60 नंबर्स होते हैं. एक घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड. ये जो दिन है बेबीलोनियंस, ये इसके बाद फर्द डिफाइन होते होते आया है हमारे पास. इसके बाद सुमेरियंस रहते हैं. सुमेरियंस जो है आपके सदर्न मेसोपोटामिया में रहते थे. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एल्जेब्रा और मोस्टली एल्जेब्रा ज्योमेट्री में था. इसके बाद फिनिशियंस है आपका जो मेडिटेरेनियन सी के साउथ में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनका नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पार्ट ही फिनिशियन एरिया था. इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिनिशियन लैंग्वेज, जिसके अल्फाबेट से आज के प्रेजेंट डे अरेबिक, ग्रीक, हिब्रू, ये सारे लैंग्वेजेस अल्फाबेट्स डिराइव हुए. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है आपका ग्रीक ज्योग्राफी. अच्छा, हम ग्रीक और रोमन ज्योग्राफी बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था फिजिकल ज्योग्राफी में, मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी में, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में. और मैं सबसे पहले ये जो टॉपिक है, सबसे पहले हम नाम लेते हैं होमर का. होमर की दो किताबें थी इलियाड, इन दोनों किताबों का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उस समय सोसाइटी का सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बहुत नॉलेज मिलता है. नेक्स्ट हम अपने ज्योग्राफर पे आते हैं, इनका नाम है थेल्स. थेल्स ऐसे पहले ज्योग्राफर हैं जो कि फिजिकल फिनोमिनास हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ या इक्लिप्स हुई, तो पहले जो भी ऐसे फिनोमिना होते थे, नेचुरल फिनोमिना होते थे, तो उनका एक सुपर नेचुरल रीजन दिया करता था कि नहीं, भगवान ने किया है या देवी राक्षस ने, देवी देवता ने, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था. तो ये पहले इंसान है जो साइंटिफिक रीजन की तरफ जाते हैं.
इनका कहना होता है कि भाई एक जो हमारा अर्थ जो है एक डिस्क की तरह है और पानी में ऐसे बहता है, और जब वेव्स आती टकराती हैं तब उसे अर्थ में अर्थक्वेक आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में ज्योग्राफर पे आते हैं जिनका नाम है, आप सब जानते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस सबसे सबसे बड़ी देन क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, जो अपने स्कूल में मैथमेटिक्स से पढ़ी होगी। इसके बाद हम अपने आते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफर पे जिनका नाम है हेकेटियस। हेकेटियस जो है इनकी इन्हें किताब लिखी थी, इसका नाम है जेस पेरियोडस, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ। और वर्ल्ड सर्वे, तो आपको नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड सर्वे, तो उन अलग अलग जगहों का के बारे में उन्होंने मेंशन बताया है, वहां के लोग कैसे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में मेंशन किया है। इनकी एक और किताब है जिसका नाम है प्रोनाउंस तो मैं भी डिफिकल्ट हो रहा करने का, मतलब आपको ये सब चीज नाम याद करने पड़ेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है, हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी है हिस्टोरिस, और ये पहले इंसान है जिन्होंने कैस्पियन सी को प्रूफ किया कि ये लेक है, सी नहीं है। वैसे प्रेजेंट डे में भी आज बहुत लोग, अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि कैस्पियन सी सी है, वो लेक प्रूफ कर चुके हैं हेरोडोटस। इसके बाद हेरोडोटस की नेक्स्ट एक, हाँ, इन्होंने एक डेल्टा साइन को इंट्रोड्यूस किया था। साइंस में डेल्टा का बहुत महत्व है, और डेल्टा साइन का ये इंट्रोड्यूस हेरोडोटस ने किया था। और डेल्टा साइन आपके नाइल वैली नाइल ब्रिज डेल्टा है, वहाँ से इन्होंने, वहाँ रहते थे, वहाँ से उन्होंने ये साइन लाए थे, सिंबल। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट जाते हैं ज्योग्राफर पे, वो है प्लेटो। प्लेटो ने भाई पहले पहली यूरोपियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उन्होंने बहुत काम किया है एथिक्स में और बाकी फील्ड्स में। एक बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भाई एरिस्टोटल, प्लेटो कौन किसका गुरु और शिष्य, कौन करके उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले सोक्रेट्स, इनके स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट थे पढ़ेंगे। एक और के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। इनके स्टूडेंट थे सिकंदर, अलेक्जेंडर। इसमें एक और स्टूडेंट थे, उनका नाम था थियोक्रेटस, जो कि बारे में बताएंगे अभी। एरिस्टोटल जो है ये है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो टर्म है इन्होंने कोट किया, एक फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी टर्म। तीसरा
ये पहले हैं जिन्होंने अर्थ को मेजर करने का कोशिश किया था। इसके बाद हाँ, इन्होंने एक और किताब लिखी थी, उसका नाम है प्लेटो निकस। प्लेटो के फिलॉसफी के बारे में किताब है, क्योंकि इनके छात्र थे, ये गुरु थे प्लेटो, तो उनके फिलॉसफी के बारे में अच्छा खासा वर्णन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने ज्योग्राफी ज्योग्राफर पर जाएंगे, जिनका नाम है पाइथियस। पाइथियस एक अच्छे खासे एक बड़े जाने माने सेलर थे, जिन्हें काफी यात्राएं की हैं। उनकी किताब है ऑन द ओशन, क्योंकि इन्होंने काफी यात्राएं की थी, तो ये पहले इंसान हैं जिन्होंने पोलर आइस, जर्मन ट्राइब्स और ऑरोरा के बारे में बताया है। ऑरोरा क्या है कि जो सन की जो रेज आती हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती हैं, तब के एंटर करने के बाद उसके मॉलिक्यूल से कोलाइड करके कि जो लाइट लाइट आता है रंग बिरंगा, स्पेशली जो पोलर रीजन में देखा जाता है, दैट इज ऑरोरा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरालिस कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। हम नेक्स्ट अपने ज्योग्राफर पे आते हैं, जिनका नाम है थियोफ्रेटस, जो एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट नहीं है। ये हैं फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ प्लांट ज्योग्राफी भी है। और ये प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने काफी लिखा है, थियोफ्रेटस। अब मैं अपने नेक्स्ट ज्योग्राफर पे आता हूं, जिनका नाम है पॉलीबियस। पॉलीबियस साहब जो है, इनकी किताब है द हिस्टोरिस। जो हेरोडोटस थे उनकी किताब थी हिस्टोरिस, इनकी किताब का नाम है द हिस्टोरिस, यहाँ डिफरेंस। अब द हिस्टोरिस को इंग्लिश में कहते हैं द राइज ऑफ रोमन एम्पायर। ये पॉलीबियस एक ब्यूरोक्रेट, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स के और मिलिट्री साइंस में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। और इनका वो समय था जब रोमन सिविलाइजेशन राइज कर रही थी और नियर बाय एरियाज को टेक कर रहे थे, ओवरटेक कर रहे थे, तो उन्होंने एक किताब लिखी राइज ऑफ रोमन एम्पायर। हम नेक्स्ट अपने ज्योग्राफर पे आते हैं, जिनका नाम है हिपार्चस। जब हम ग्रीस की बात करते हैं, तो उस जमाने जो ग्रीस है वो आज के जमाने का ग्रीस, अल्बेनिया, आपके सदर्न इटली, आपके नॉर्दर्न अफ्रीका के भाग, टर्की का कोस्ट, सिसिली आइलैंड,
साइप्रस आइलैंड, ये सब मिलके ग्रीस एम्पायर था। तो आप जब थॉट पढ़ते हैं तो ग्रीस, जिस ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेजेंट डे ग्रीस के बारे में सोच के इतने विशाल एम्पायर के बारे में सोचे। हिपैरकस जो है इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्होंने बताया इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स मतलब पूरे अर्थ में समान दिन और समान रातें, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, और साल में दो बार आता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इनका एक किताब लिखी थी इन्होंने जिसका नाम है ऑन एयर वाटर एंड ओशन। हिपैरकस ये पहले इंसान है जिनने जो असीरियन की जो जो क्या बोलते कंट्रीब्यूशन था कि सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करना, उसको वो प्रैक्टिस में लाए 360 डिग्री से। इसके बाद उस जमाने के जितने